हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अल्फा नियॉन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो कोमल जी, सबसे पहले अल्फा नियॉन क्या है और क्या कुछ काम यहाँ पर होता है, उसके बारे में अगर ब्रीफ करें आप। अल्फा नियॉन इज़ अ वेरी बिग कंपनी और हम कई सारे एस्पेक्ट्स में काम करते हैं। उसमें से एक पार्ट है प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, और हम कई तरह के काम करते हैं उसमें, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, प्रॉप रेंटिंग, लोकेशंस, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव इन इट। ऑल्सो एक नई फिल्म आने वाली है अल्फा नियॉन। यस यस यस, बताइए क्या क्या होने वाला है एग्जैक्टली इस फिल्म के थ्रू, और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताया। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिल्म का नाम है डबल ड्यू, और ख़ास बात तो ये है कि ये आपको दो लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगी, जो एक है हिंदी, एक है मराठी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। स्टोरी लव स्टोरी ही है, बट अलग तरीके की लव स्टोरी है, जिसमें आपको एक कपल के स्ट्रगल्स के बारे में बताया जा रहा है। और ये फिल्म शूट हुई है लंदन में, तो आप समझ सकते हो कितने हाई स्केल पर ये मूवी शूट हुई है। और जब लव स्टोरी की बात होती है तो मतलब कोई भी फिल्म की बात होती है, सबके दिमाग में आता है स्टार कास्ट। कौन हाँ। सी स्टार कास्ट होने वाली है फिल्म के अंदर, और अगर थोड़ा सा बताना चाहे उसके बारे में। ओके, तो बहुत जल्द ट्रेलर आने वाला है और आपको पता चल जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्या स्टार कास्ट है, और आपको देखकर ही अच्छा लगेगा। तो आपके अंदर वो एक इच्छा आ जाएगी कि हाँ, ये मूवी तो देखनी है। Okay, और जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। इवन द स्टार कास्ट वॉज वेरी कोऑपरेटिव, हमने बहुत सारे कंडीशंस में शूट किया, एंड इट वॉज ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी मैं ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज जब अभी ट्रेलर आने का इंतजार करते हैं, फिर इस बारे में हम बात करेंगे। अल्फा नियॉन जो है, जैसे आपने कहा कि प्री पोस्ट प्रोडक्शन भी काम कर रही है, फिल्म भी बना रही है, हाँ। क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है डबल ड्यू के अलावा, और क्या और भी रीजनल सिनेमा अल्फा नियॉन से आने वाले हैं? अभी तो कई सारी फिल्में पाइपलाइन में हैं, आपको कई सारी फिल्में देखने को मिलेंगी, और सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, कई सारी लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डबल ड्यू है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं है, कई दो लैंग्वेजेस में आ रही है। तो ऐसी और भी हमारे पास फिल्में हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, बट लेट्स फोकस ऑन डबल ड्यू राइट नाउ, बिकॉज यू नो। अगर डबल ड्यू के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा कि शूट हो चुका है, अभी जो है आई गेस पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म है, ट्रेलर कब तक आने वाला है, और मतलब कब तक अनाउंसमेंट होने वाली है कि ट्रेलर आने वाला है, स्टार कास्ट के बारे में कब तक, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। ओके, तो आपको ये दिवाली तक देखने को मिलने वाला है, एंड ऑल्सो जो हमारी बाकी फिल्में हैं, इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब ये वो कहानियाँ हैं जो आपको दिल तक कनेक्ट करेंगी, ऐसे नहीं है कि बेसिक कहानी है या ऐसा कुछ। आपको जब आप जब ये कहानी देखेंगे तो आपको वो कनेक्शन महसूस होगा, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आपको फील होगी। अल्फा नियॉन से और कौन सी फिल्में आने वाली, डबल ड्यू तो लोग देखने वाले बहुत जल्दी जैसे आपने कहा दिवाली में, yes. इसके अलावा कौन सी फिल्म लाइनअप है, अगर उस बारे में कुछ बताएं। अभी तो कई सारी फिल्म्स लाइनअप है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, बट यू नो अभी मैं कुछ भी आपको नहीं बता सकती, बिकॉज कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर है हम। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आपको बहुत जल्द बहुत सारी एक्साइटिंग मूवीज़ भी देखने को मिलने वाली है डबल ड्यू के अलावा। बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज़ हम देख रहे हैं इन दिनों, OTT पे रिलीज़ हो रही है कोविड के बाद से। यस yes. तो क्या OTT में कोई प्लान है आप लोगों का, अगर उस बारे में कुछ बताया। प्लान तो है, बात भी चल रही है, काफ़ी बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म से हमारी बात चल रही है, बट एज आई सेड कि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, तो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस बारे में। ऑल्सो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है अल्फा नियॉन के बिहाफ पे, अगर कुछ कहना चाहे आप। अल्फा नियॉन इज़ अ कंपनी जो गुड कॉन्टेंट पर बिलीव करता है, इट्स अ कॉन्टेंट ड्रिवन कंपनी, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम क्या अच्छा दिखा सके ऑडियंस को, हमारा मेन मकसद यही है। हम वो बेसिक चीज़ें नहीं दिखाना चाहते हैं, हम कुछ नया कुछ यूनिक लेकर आना चाहते हैं ऑडियंस के लिए। सो आई बिलीव कि डबल ड्यू आपको वो एक्सपीरियंस कराएगा, तो आप जाइए,
देखिए डबल ड्यू, अपनी फैमिली को भी साथ ले जाइए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वी आर वेटिंग फॉर योर रिव्यूज गाइज। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि कंटेंट पे कंसंट्रेट करने वाले हैं आप लोग, साथ ही कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह के कंटेंट, क्या जैसे आपने कहा डबल ड्यू एक लव स्टोरी है, yes. और कौन से जॉनर पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? अगर कई तरह के जॉनर्स हैं हमारे पास, हमारे पास कोई एंड गेम नहीं है कि हम इसी पे स्ट्रक रहेंगे, वी आर एक्सप्लोरिंग इन एवरी जॉनर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। अल्फा नियॉन के बारे में बताइए, जैसे हमने थोड़ा सा ब्रीफ लिया है कोमल जी से कि प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन फिल्में भी बहुत सारी आने वाली है, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्फा नियॉन इज़ वर्किंग कि हाउ वी कैन वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री टू गिव बेटर क्वालिटी एंटरटेनमेंट, विच इज़ जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा खेलेगा। दूसरा, वी आर ट्राइंग टू मेक वन मूवी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच अल्फा हैज़ क्रिएटेड इन हाउस ऑल्सो एज वेल एज फ्रॉम इंटरनेशनल बिग वेंडर्स हु हैव दे आर वर्किंग विद इन, आई थिंक इन हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर एज वेल एज इन US। तो इट्स अ गुड जर्नी। वी स्टार्टेड विद डबल ड्यू एज अ फर्स्ट मूवी, and there are a couple of four other movies which are in progress, so hopefully in the next 1 year's time they should be doing around about 8 to 9 movies. Right, also double D ke bare mein bahut excitement hai, bahut buzz hai, to agar star cast ke bare mein agar baat karna chahe, kyunki ek love story hai to bahut hi interesting hoga. Interesting, the thing is Priya Bapat and Umesh Kamat are there, and together as husband and wife for after 7 or 8 years they're shooting a movie together. The movie has come out well, the post is on, and we should have the first trial out I think by the 15th of September. We're looking to release somewhere in end Diwali or end of November, so that's the target for double D right. As of right now. And how was your experience shooting London mein hui hai, kaisa experience raha aap logo ka, Priya bhi thi? Yeah, we are doing most of our shooting outside because they are faster to do, more professionally run instead of doing here, or it is more economical from the longer perspective, because kya film industry ke andar picture bahut lambi chal jati hai, aur hamara concept with Amit being there, the idea is ki how we can complete a movie in 6 mahine se 9 mahine ke andar from concept to delivery, so that is going to be the game changer speed. Also covid ke baad bahut sare producers thode se nervous the ki kya paisa lagaya ya na lagaya film ke upar, finally Gadar जवान इतना अच्छा कर रही है, जवान ने जो है 1 लाख से ज़्यादा टिकट बेच दिए अब तक, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि अब जो है आगे आकर अच्छी फिल्में, रीजनल सिनेमा और बहुत सारे मूवीज आर डूइंग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ टू ग्रो, देयर आर लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स कमिंग अप, डिमांड बहुत है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग एंड बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, सो इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रोजेक्ट आफ्टर डबल डी? देयर आर 4 मोर प्रोजेक्ट्स, बट वी आर नॉट, आई कैन नॉट अनाउंस देम नाउ, so we will see that, but there are at least as I told you 10 to 12 movies we should be doing in the next 1 year.